सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सभी सरकारी बैंक 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार से बैंक कर्मचारियों ने अपना 2 दिवस हड़ताल शुरू कर दिया। इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सरकारी बैंकों के अलावा सभी प्राइवेट बैंकों को भी बंद कराने को लेकर कर्मचारी बैंक पहुंचे। न्यू मार्केट स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने बैंक के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सरकार के इस नीति के खिलाफ जमकर विरोध जताया। मौके पर बैंक कर्मचारियों ने कहा कि सरकार जिस तरह से बैंकों को निजीकरण कर रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी और सरकारी बैंकों का निजीकरण होना देश के हित में नहीं है। क्या कहना है? ऐसा है, हम लोगों का सरकार जो बिल लाई है बैंकों का निजीकरण का, सरकारी बैंकों का निजीकरण का, उसके विरोध में हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल रखे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकारी बैंक का निजीकरण नहीं हो और ये देश का जो आर्थिक गति है, ये सरकारी बैंकों के माध्यम से जो गरीब देश के गरीब लोगों तक उन सरकारी कार्यों को जो पहुंचाया जाता है, उस पर हम लोग उतना ही तत्परता से इतना सेवा देते रहें और सरकारी बैंक का जो सरकार की जो एक धरोहर है वो सरकार का धरोहर बना रहे। सरकार किसी निजी हाथ में सरकारी बैंकों को ना बेचे, इसी के विरोध में हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं और हम चाहते हैं कि बैंकों को का निजीकरण इसलिए भी नहीं हो क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी। जो निजी हाथों में जाएगा तो बैंकों के कर्मचारियों का छटनी स्वाभाविक है, वो अपने हिसाब से बैंक को चलाएंगे, देश के हित में नहीं चलाएंगे। हम लोग देश हित में अपना मांग को रखते हुए निजीकरण के विरोध में हम लोग आज 2 दिवसीय इसमें हड़ताल में। धन्यवाद। परिचय सर, मेरा नाम AK आजाद, मैं सेंट्रल बैंक में मैनेजर हूँ और कटिहार में। धरना पर बैठे बैंक कर्मचारियों ने सरकार के इस नीति पर जमकर प्रहार किया।